हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। 4 नवंबर मतलब जो फ्राइडे गया उससे पिछले वाले फ्राइडे को मैंने ये ली थी बलिनो डेल्टा AMT। जब से लिया तब से मैं इसे ही चला रहा हूं, इसी के बारे में आपको दिखा रहा हूं वीडियो वगैरह। और भाई ये चीज़ देख देख के लोग पूछने लगे, क्या भाई जो XUV है वो बेच दी क्या? नहीं भाई, बेची नहीं है, आराम कर रही है, रेस्ट मोड पर है, सर्विस वर्विस करा के 21,000 किलोमीटर चल गई थी इतनी जल्दी। मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, मैंने कहा चल भाई प्यारी तू आराम कर, यहाँ अभी जो काम है वो है इसका ऑटोमेटिक का। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। और जब मैंने ली थी तभी मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने ये क्यों ली। अब उसमें लोग कह रहे थे कि भाई अब तो ले लिया आपको, अब तो तारीफें करनी पड़ेंगी और मारुति ने दबा के पैसा दे दिया होगा इसीलिए इतने गुणगा रहे हो। भाई ऐसा नहीं था, वो मैंने जैसे ही ली थी क्योंकि उससे पहले रीज़न मुझे पता था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब गाड़ी जो चल चुकी है करीब करीब 1600-1700 किलोमीटर चल गई है, 12-14 दिन हो गए हैं, 12 दिन करीब लिए हुए, तो मैं बता सकता हूँ ना आपको इसमें कमियाँ क्या हैं। कमियाँ तो हर गाड़ी में होती हैं, तो भाई ये वीडियो इसकी कमियों के ऊपर ही रहने वाला है। और भाई कोई भी ट्रिगर मत हो ना, कोई भी बीच में चूंचपड़ मत करना कि भाई ये तो आपको कमी लग रही है ये नहीं है। हाँ तो भाई मेरी गाड़ी है, मेरे को जो कमी लग रही है वही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है जो मैं कमी बता रहा हूँ वो आपको ना लगे, मैं अपनी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं इसकी सबसे पहली कमी जो है, जो भाई सबसे ज़्यादा लगती है मेरे को अजीब सी है जब से मैं XUV रख रहा हूँ, वो क्या है भाई इसकी चरर मरर, वो क्या है भाई रैटलिंग नॉइज़। मानता हूँ मारुति जो है बेसिकली गाड़ियाँ बनाती है ज़्यादा बिकने वाली यानी इकोनॉमिकल गाड़ियाँ, जिसमें थोड़ा सा पैसे वैसे को ध्यान में रखना पड़ता है, कॉस्टिंग कम रखनी पड़ती है। चलो मान लिया वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं हल्के बिल्कुल क्वालिटीज़ है, लेकिन भाई ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है, सेगमेंट के आगे ही प्रीमियम लग रहा है और इसकी जो कीमत है उसके आगे भी एक मोटा सा प्रीमियम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वो चरर मरर आवाज़ें इसमें हैं यार, वो सुकून, वो बिल्कुल साइलेंट कैबिन होता है ना वो नहीं है। बहुत से लोग ये सुन के कह देंगे भाई आपने काम कुम करवाया उससे आ रही होगी। नहीं नहीं, मैंने पहले दिन ली थी तभी यहाँ से आवाज़ थी, इसको मैंने सही करवाया, फिर यहाँ भी आवाज़ थी इसमें ग्लव बॉक्स में, इसको मैंने करवाया, नेक्स्ट डे फिर इसमें आवाज़ आ रही थी इसको मैंने करवाया, और अभी भी कहीं से आती रहती है बीच बीच में से आवाज़। ऐसा नहीं है बिल्कुल साइलेंट हो, जैसे यार 21,000 वो चल गई है उसे तो धक्को उक्को में कहाँ कहाँ चलाया, उसमें भी आवाज़ नहीं आती, लेकिन इसमें कहीं कहीं आवाज़ आ जाती है। और ये मत कहना भाई ये छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी है, तो भाई जो हुंडई की गाड़ी है ना वो इतनी बढ़िया क्वालिटी देते हैं फिट एंड फिनिश में, 7-7 साल पुरानी गाड़ी भी हुंडई की, और छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया अंदर से टाइट होकर रहती है, बिल्कुल आवाज़ें नहीं आती, ढीली नहीं पड़ती बॉडी। तो बेसिकली ये चीज़ मारुति में थोड़ी सी कमी है, वो इसमें भी है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक होगी, ये होगी पहली बात। अब आती है दूसरी चीज़ इसके इंजन को लेकर। अब भाई निगेटिव में इंजन बोल रहा हूँ, आप कहोगे भाई यार ये क्या बात करो, पहले तो बड़ा पॉजिटिव कह रहे थे, तो अभी बता रहा हूँ क्या चीज़ में थोड़ी सी कमी लग रही है। फिलहाल एक बार व्हील देख रहा हूँ, ये व्हील्स लगवाएं अलॉय व्हील ही है, ये ऐसा नहीं है व्हील कवर देखने में लगते हैं भाई ओरिजिनल है, इसके बारे में भी अभी बताने वाला हूँ आगे। फिलहाल इंजन की बात हो रही थी, भाई इंजन बहुत मस्त है, बहुत मतलब वाइब्रेशन बिल्कुल नील है, बहुत साइलेंट है, लेकिन जो इसकी पावर डिलीवरी है ना बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक बराबर लीनियर जो होती है वो नहीं है, इसमें करीब 50-70 के बीच में थोड़ा सा फ्लैट स्पॉट आ जाता है, समझ रहे हो, हल्का सा ऐसी जगह आती है जहाँ पर लेजी सी फील होने लगती है, वहाँ अगर मैनुअल होती तो भाई उसे डाउन शिफ्ट हम करते, मतलब उस टाइप का जो होता है ना एक बीच में एक स्पॉट आता है वहाँ पर थोड़ी सी लेजी फील होती है, लेकिन बाकी नीचे से 50 तक बहुत अच्छी आएगी और ऊपर। अब ये ऑटोमेटिक है, खुद ही गियर बदल लेती है पहले, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें उस जगह पर फील होता है, लेकिन वहाँ पर पंजा दोबारा दबा दो तो भाई नीचे गियर हो जाता है, तो बेसिकली एक स्पॉट है जहाँ पर थोड़ा सा लेजी फील हो जाता है। अब ये कई बलिनो ओनर या फिर ये 1.2 वाला इंजन है ना उसके लोग मानेंगे जो यूज़र हैं, पहले भी मैं सुन चुका था, मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था, लेकिन अब मैंने एक्सपीरियंस करा। हाँ ये वाली चीज़ स्विफ्ट में फील नहीं होती क्योंकि स्विफ्ट इससे थोड़ी सी हल्की जो है ना, वहाँ उसमें चलाने में थोड़ा मजा आता है, सेम इंजन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो चीज़ फील होती है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, भाई ये बहुत ज़रूरी है, जिस सेगमेंट में ये गाड़ी है ना मतलब प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट, भाई इसके इस वेरिएंट में मतलब डेल्टा वेरिएंट तक इसमें कोई जो आर्मरेस्ट है वही नहीं है, ये आगे का आर्मरेस्ट मैंने लगवाया है। ठीक है भाई, यार इस सेगमेंट में तो होना चाहिए। अब आप कॉम्पिटिशन जो है Hyundai की बात करो तो इससे नीचे का सेगमेंट ग्रैंड एटन न्योस है, उसमें भाई पीछे के वेंट दे देते हैं वो, ये वेंट भी नहीं देते ना, जिसमें आर्मरेस्ट आएगा उसी में वेंट आएगा। ठीक, लेकिन इनको
आमरस देना चाहिए यार। बहुत हो गई निगेटिव बातें, बहुत हो गई निगेटिविटी, अब कुछ पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पॉजिटिविटी तब आती है जब आपका दिल खुश होता है। दिल खुश गाड़ी में बैठ के तब होता है जब आपको खुशबू आती है इन्वॉल्व के वन मस्क परफ्यूम की। भाई ये मस्क नाम है इसका, लेकिन ये मस्त है यार। इसके लिए मुझे कहा जाता है भाई इसकी खुशबू आप समझाओ। भाई इसके लिए शब्द नहीं है, ये फील करने वाली चीज़ है। और ऐसे ही है इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है भाई। जैसे ही गाड़ी का गेट खोलते हो ना आप, गाड़ी जब खड़ी रहती है गेट खुलते ऐसा लगता है यार क्या खुशबू है। और कोई भी आपकी गाड़ी में जब बैठता है वो भी आपसे ये सवाल करता है भाई ये खुशबू किस चीज़ की है। और भाई ये मस्त सी जबरदस्त सी चीज़ आपको क्या करनी है, सिर्फ यहाँ पर रख देनी है, किसी भी कप होल्डर में आपके फिट हो जाती है, ऐसे शांति से पड़ी रहती है और अपना काम करती रहती है। और हमेशा की तरह अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाके बाय कर सकते हो, बाय का कूपन कोड लगा के स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हो। हमेशा की तरह जाके चेकआउट करो। ये भाई मैंने ऊपर से लगवाया ठीक है, ओरिजिनल वाला, करीब 4000 रुपये इसका खर्चा आया सब कुछ, लेकिन इनको देना चाहिए था। रियर एसी भाई अब इंडिया में ये मत समझो प्रीमियम चीज़ हो गई, अगर प्रीमियम भी मानते तो भी इस सेगमेंट में या इस गाड़ी में देनी चाहिए थी, लेकिन ये ज़रूरत है और वो भी इसमें नहीं दी गई। इससे ऊपर के उसमें जाते हैं ना तब भले दे रखा है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, देना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो अपना रियर का आर्मरेस्ट है ना भाई, वो टॉप मॉडल में भी नहीं है, समझ रहे हो, टॉप मॉडल में भी रियर का आर्मरेस्ट नहीं आता, वो चीज़ भी इसमें देनी चाहिए थी। ये चीज़ें ऐसी हैं भाई आराम देने वाली हैं, ये चीज़ें आपको अंदर से प्रीमियम फील कराती हैं अगर आप पैसा खर्च करते हो। और पैसा भी पिछले वाली जनरेशन से इस वाली जनरेशन में अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसे बढ़ चुके हैं, अब वो वाली बात नहीं रही। अब आते हैं इसकी लाइट की तरफ। लाइट सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ना यार, बहुत लोग गाड़ी लेते हैं कि लाइट नहीं है सही, लाइट नहीं सही। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बाकी गाड़ियों की कर रहा हूँ, लेकिन अब जब बात करेंगे इसकी, तो भाई पिछली वाली जनरेशन में क्या होता था, या तो आपको जो ये प्रोजेक्टर है ना मिलते थे LED के साथ, और जहाँ पर हेलोजन लगना है वहाँ पर रिफ्लेक्टर ही मिलता था नीचे के वेरियंट में। लेकिन अब क्या कर दिया, बेस से लेकर टॉप तक आपको प्रोजेक्टर ही मिल रहा है। जैसे ये सेकेंड है मॉडल, नीचे से डेल्टा मॉडल, इसमें भी प्रोजेक्टर मिल रहा है। अब नीचे के दोनों वेरियंट में आपको मिलता है अंदर हेलोजन बल्ब और ऊपर में LED के साथ बहुत बढ़िया थ्रू है लो बीम हाई बीम दोनों में। लेकिन जब बात करें अपने इसके साथ ना, प्रोजेक्टर के साथ जो हेलोजन बल्ब लग रहा है उसमें मामला थोड़ा टाल मटोल हो जा रहा है, क्योंकि हाई बीम लो बीम दोनों के लिए यही काम कर रहा है यही प्रोजेक्टर। और भाई हाई बीम में रोशनी फैल जाती है, हाई बीम में रोड का फोकस जो दिखाना चाहिए ना, वहाँ पर एक पॉइंट दिखना चाहिए दूर में, वहाँ वो दिखा नहीं पा रहा, ये इसमें सबसे बड़ा इशू हो रहा है। इसमें वही कर देते हैं रिफ्लेक्टर कर देते हैं हेलोजन बल्ब के साथ, बहुत मस्त। इवन ऑल्टो 800 बहुत बढ़िया रोशनी देती है, पिछली वाली बलेनो बहुत बढ़िया देती थी, लेकिन ये प्रोजेक्टर के साथ काम खराब है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर देना था तो भाई साइड में एक और यूनिट देते रिफ्लेक्टर वाली, ये करती लो बीम के लिए काम, ये करती हाई बीम के लिए काम। ऐसा बहुत गाड़ी में कॉम्बिनेशन देते हैं और वो बहुत परफेक्ट रहता है, बिल्कुल दोनों अलग अलग एंगल पर सेट रहते हैं। लेकिन इसमें एक ही दे रखा है वो भी हेलोजन के साथ, इसमें मज़ा सा नहीं आया। अब कहोगे इसी में LED लगवा लो, तो भाई LED लगवाई थी मैंने, मज़ा नहीं आया उसमें भी, है ना, वही हाई बीम वाला फैल जा रही है रोशनी, स्पॉट नहीं पड़ रहा, तो काम ख़राब हो गया ठीक है। तो इसीलिए ये कमी है इसमें हाई बीम, बेसिकली लो बीम मस्त है। अब आ जाते हैं अगली कमी पर, मतलब इसकी चाबी। अबे चाबी कहाँ गई, चाबी है पूरी यार, चाबी कहाँ गई, अरे जेब में ही है, मैं डर गया, मैंने कहा चाबी कहाँ गई भाई, मुझे लग रहा था अंदर ही। हाँ तो भाई चाबी पे आते हैं। अब ये चाबी मतलब दूसरा नाम हो चुका है मारुति का, भाई साहब कितनी पुरानी हो चुकी है, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, यही चाबी दे रहे हैं, कमाल करते हो पांडे जी, मतलब यार देख रहे हो, ये चीज़ चेंज करनी चाहिए यार मारुति को। ये तो ये हुआ, बाकी मैं दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हो ये बटन वगैरह का पैनल, ये यहाँ पर, ये भाई कब से दिए जा रहे हैं, और अब तो 20-22 लाख 23 लाख के जो ग्रैंड विटारा दे रहे हैं उसमें भी यही पैनल दे रहे हैं, मतलब यही वाले बटन दे रहे हैं, ये चेंज करना चाहिए यार। ये जो लीवर हैं ये भाई कब से ही दे रहे हैं, जो पहले स्विफ्ट आती थी उसके टाइम से ये चल रहा है यार, इसे बदल दो यार। कुछ कुछ चीज़ें हैं बड़ा मस्त, मतलब डिज़ाइन अपग्रेड कर देते हैं आप, है ना, चीज़ें महंगी हो रही हैं, चीज़ें दे रहे हो, R&D हो रही है। देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया बेस मॉडल में ही, वो चीज़ मस्त है। लेकिन जब बात आती है ना कि छोटे छोटे चीज़ें जो हमें याद दिला देती हैं अरे ये तो पुरानी है, तो वो वाली मेहनत भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं दब जाती है। अब अगला निगेटिव पॉइंट है भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब आप कहोगे भाई 170 mm है, कहाँ से कम है, बिल्कुल मैंने भी यही सोच के गाड़ी ली थी और है भी 170 mm, ऐसा नहीं है कम है, इससे कम तो स्विफ्ट वगैरह का उसका 163 है। लेकिन एक चीज़ जो दिक्कत देती है ना वो है भाई इसका ये फ्रंट ओवरहैंग, ये पोर्शन, ये देखो ये यहाँ देख रहे हो, ये
भाई ये यहाँ पर मतलब एक विंड डिफ्लेक्टर टाइप का है जो हवा को काटता है भाई, यहाँ पर ये लगता है आग ऐसे, ये चीज़ ना ये लगती है। और नीचे पपड़ा सा दे रखा है जो कवर करता है, मतलब ऐसे ही है, कपड़ा सा ही है ना, वो ऐसा कुछ हार्ड वार्ड सा नहीं है, लेकिन भाई वो भी लगता है नीचे। पीछे सब कुछ सेट है, 170 mm है, बिल्कुल मानता हूँ, यहाँ से कभी नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा कभी कभी खुचुर पुचुर सी आवाज़ आ जाती है नीचे गड्ढे वड्ढे में जाने पर। तो ये चीज़ इसमें है, यहाँ से ध्यान रखना पड़ता है, और इससे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई स्विफ्ट का, जो भी आगे से आ रही होती है ना स्विफ्ट या डिज़ायर, उसके देखते हैं नीचे पपड़ियाँ सी ऐसे लटकी हुई सी रहती हैं। अब अगली चीज़ है इसकी वारंटी। भाई पहले का टाइम दूसरा था, जब 2.5 लाख 3 लाख की आपकी गाड़ी आ जाती थी, मारुति वालों आपसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तब आपको पैसे कम रखने के लिए, इनिशियल कॉस्ट कम रखने के लिए वारंटी कम देनी होती थी, साथ में एक एक्सटेंडेड वारंटी का दे देते थे कि चलो बंदा बाद में खरीद सकता है। लेकिन अभी भी यार, अब इतनी महंगी हो चुकी हैं गाड़ियाँ, अभी भी आप एक एडिशनल वारंटी देते हो और स्टैंडर्ड वारंटी दे रहे हो कुल 40,000 किलोमीटर की, मतलब कहीं से यार, मतलब समझ ही नहीं आने वाली बात है ये। 23 लाख की गाड़ी पड़ रही है ग्रैंड विटारा, उसमें भी 40,000 किलोमीटर की वारंटी, इसमें भी 40,000, ऑल्टो ले रहे हैं उसमें भी 40,000, सबसे कम वारंटी देने वाली कंपनी है इस समय। भाई आप इतने पैसे ले रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार, इसमें शायद 13-14 हज़ार रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी, ठीक है, वो अलग से देने की जगह आप साथ में दे दो यार, 9 लाख रुपये की गाड़ी भी तो खरीदी है हमने, बाकी भी तो पैसे दे रहे हैं, 10,000 ऊपर दे दो, साथ में ऐड करके दे दो, और चौड़े होके कहो कि हम 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं। अब ज़रूरत भी है भाई, वारंटी तो आज के समय में ज़रूरी है ही ना, इतने पार्ट महंगे हो गए हैं। तुम्हारा भाई बंधु जो टोयोटा है वो साथ में लगा के दे देता है, थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं उनके, लेकिन वो चौड़े होके कह देते हैं कि हम 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं, देखो मारुति वाले इतनी कम, और बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है मैंने, भाई उसमें पहले पैसे जोड़ लिए साथ में उन्होंने, इसीलिए दे देते हैं ना भाई। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, इन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किसकी तरफ, जो भाई इसका म्यूज़िक सिस्टम है यार, ये इतना लैगी है, मैं एक बार चाबी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इतना लैग करता है। और ये ऐसा नहीं है मेरा वाला ही करता है भाई, ये अरुण से बात हुई थी, उनके पास पिछली जनरेशन थी, कब की बेच चुके हैं वो इसे, उसमें भी यही लगा आता था, पहले तो टॉप मॉडल में भी यही आता था 7 इंच वाला, अरे झर हो गया, ठीक है, उसमें भी यही आता था भाई, तब भी ऐसे रेस्पॉन्स होता था, आज भी ऐसे रेस्पॉन्स है, मतलब एक होता है ना कि बना के भूल गए बस छोड़ दिया, अब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो वाली चीज़ है बिल्कुल इसके साथ। अब आप देखो रेस्पॉन्स, मैं नीचे वॉल्यूम करूँगा और अब देखना कितनी देर में रेस्पॉन्स आएगा स्क्रीन पर, ये देख रहे, देखो देखो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, वो बेचारे का सिस्टम ही कन्फ्यूज हो गया है, देखो ओ भाई भाई रेस्पॉन्सिव नहीं है ये, देखो जल्दी जल्दी करो वो गायब हो जाता है, 3 बार कर दोगे आप तब तो वहाँ आता है स्क्रीन पर, देखो ये 3 बार कर दिया अब वहाँ आया है, और एक ही बार गया है, अरे तो ये इतना मतलब बहुत लैगी सा है यार। सबसे मेन चीज़ होती है कम ज़्यादा आप आवाज़ ही करते हो ना, और वही चीज़ ये लेते हुए इतना हड़बड़ा सा जाता है मेरे सिस्टम कि क्या करें क्या ना करें, इनने तो बहुत सारी कमांड दे दी, लेकिन यार यही है जो है, इसको करना चाहिए यार अपडेट, अब तो ये तुम सेकंड बेस से दे रहे हो, मतलब इससे नीचे कुछ दे नहीं रहे, जो बेस मॉडल है उसमें खाली खोखा, और फिर उसके बाद यही वाला, मतलब अब जान जो है रीढ़ की हड्डी तो यही म्यूज़िक प्लेयर है ना, तो इसमें कुछ तो काम करो यार, कुछ अपडेट दे दो बस। मैं ये नहीं कह रहा छोटा है बड़ा है खुरदुरा है ये या फिर ये है वो है, मैं वो नहीं कह रहा, सिर्फ थोड़ा सा अपडेट कर दो इसको, जिससे जो इसका रेस्पॉन्सिवनेस है बस वो बढ़ जाए, बस इससे ज़्यादा हमारी डिमांड ही नहीं है। अब आ जाते हैं जिसका इंतज़ार था, मतलब अलॉय व्हील वगैरह का ना, तो भाई अब आ जाते हैं इसके एसेसरी पर। भाई एसेसरीज इतनी महंगी हैं यार, वाकई में ख़रीदते हुए ऐसा लगता है पता नहीं किया के ह्यूंडई के, मतलब होता है ना कि यार इनकी तो अपनी चल रही है कहानी, वो वाले शोरूम में आ गए। अब अलॉय व्हील की बात कर लें, या आप अलॉय व्हील देख रहे हो 15 इंच वाले हैं, मतलब इसमें मुझे टायर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ा, ये डेडिकेटेडली इसी के लिए बनाए थे, बलिनो के नाम से ही आए हैं कि हाँ कंपनी ने इसी के लिए उतारे हैं कि इसमें लगा लो, मैंने लगा लिया, ठीक है। अब ये है कितने का बताएं, 9,490 रुपये का ये एक अलॉय व्हील है। अब आपको ये मत कहने लगना कि भाई इस कंपनी का फलाने का 11,000 का, इसका 12,000 का, अरे होंगे उसके, जो अपना होता है ना शिकायत उसी से होती है, हमें मारुति से उम्मीद नहीं थी इतने महंगे होंगे, लेकिन हैं इनके।
कहाँ पहले 6,000-6,500 रुपये ऐसे एलॉय आते थे और हम कहते थे बहुत महंगे हैं। एक बार मैं जब ट्राइबर ली थी, मैं रैनो के देख रहा था एलॉय, और भाई उसका था 7200 रुपये का, 7200 का। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी इतना महंगा, लेकिन भाई अब 9490 रुपये का एक एलॉय है और इसको लगवाने पड़ रहा है। हालाँकि मैंने अभी एक बनाया था शॉट, जिसमें मैं ये जो बीच का टुकड़ा है ना, ये लोगो लगा हुआ सेंटर कैप, इसकी कीमत बता रहा था, बहुत सस्ती है मारूं, बिल्कुल 100 रुपये लिख आया बस ये। लेकिन यार जो एलॉय व्हील है ना, उसमें सारा खर्चा निकाल ले रहे हैं ये भाई। 9490 रुपये का एलॉय व्हील बहुत महंगा लगा यार। उसके साथ साथ अभी केवल यही नहीं एलॉय व्हील भाई, ये ना 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 ना, मैं पूरी एसेसरी का नाम लिया है ना, मैटिंग, ये क्या है ये जरा सी यही है बस, है ना, ऐसी तो है, 3D मैट है, 3000 रुपये की 3D मैट। उसके साथ साथ भाई जो इससे ऊपर के मॉडल में है, यहाँ पर ये पूरा ना ये ग्लॉस में आता है, चमक चमक सा मस्त सा लगता है, लेकिन इसमें ये खुरखुरा सा है भाई, बेकार सा रद्दर सा। इसके लिए एक स्टाइलिंग किट बना रखी है कंपनी ने, ठीक है, यहाँ लग जाती है, वहाँ लग जाती है, मतलब चारों जगह जो हाथ रखते हैं वहाँ चिकना चिकना सा कर देंगे, ठीक है। वो 4 पीस से प्लास्टिक के टुकड़े डिजाइन विजाइन से कितने के, 8,000-9,000 रुपये के। ओ भाई साहब, सिर्फ प्लास्टिक के, मतलब ऐसे ऐसे कवर जैसे से हैं कि देखने में आपको अच्छा सा फील करा देंगे बस। और शायद ये लगा के, ये यहाँ वाले भी लगा के, मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ भी मतलब ऐसा सा कुछ है, वो 10,500-10,000 रुपये का यार। ओ भाई साहब, मैंने कहा यार क्या ही हो रहा है, ये कितना महंगा, अभी तो रुक जाओ, अभी जैसे मुझे धक्के लगे हैं वो बताता हूँ मैं। उसके साथ साथ ये जो पट्टी है, ये क्रोम की, 1800 रुपये की। ओ भाई, उसके साथ साथ ये जो मैंने कैमरा लगा रखा है ना, ये तो मैंने यहाँ लगाया ओरिजिनल की जगह पे, लेकिन जो कंपनी में लगा रहे हैं वो यहाँ लगा रहे हैं कैमरा, ऐसा गोल सा है और उसमें इतना बड़ा सा है, ऐसे ऐसे LED कई सी, देखने में ही चमकता है दूर से। अब ये मत समझना कि भाई बड़ा कैमरा तो बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है भाई, उसमें क्वालिटी भी हल्की फुल्की सी है। ये जो है, ये ब्लॉपंग का कहना मास दे रहा है क्वालिटी बिल्कुल, और उसकी कीमत जो लगा रहे हैं वो है 5,000 रुपये भाई। ऐसे मतलब हज़ार ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहे, 1000 रुपये क्या होते हैं, 5,000-6,000, ये करीब 2,500 रुपये के करीब है, ठीक है। वाइज़र, ये साइड पट्टी जो क्रोम की आती है ना, वो ले लोगे वो है करीब 2500 रुपये के करीब की, मतलब बहुत बहुत महंगी, जो आप हद से याद आपको लगेगी ना कि महंगी। हाँ, ये ही देखो फॉग लैम्प, तो वैसे तो फॉग लैम्प मैंने खुद लगाया कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वैगनार में लगा चुका था 4000 रुपये के ओरिजिनल, तो अब मुझे वो झटका लेने की आदत हो गई थी फॉग लैम्प की। ये हैं 6000 रुपये के, लेकिन एक इसमें मजबूरी क्या हुई मेरे को भाई, मेरे को लगाने पड़े LED वाले ही यार। ऊपर अगर मेरा पीला बल्ब जल रहा है ना, तो मेरे को नीचे भी तो पीला चाहिए, और फॉग लैम्प में तो मज़ा पीले में ही आता है, काम मेन पर्पज़ जो है वो वही तो है यार। मुझे मजबूर होके लगवाने पड़े LED वाले, क्योंकि कहा गया कि वो वाला ऑप्शन ही नहीं दे रही है कंपनी, और भाई मैंने फिर ये लगवा लिया यार, क्या करें, अब नीचे सफ़ेद ऊपर पीला, ऐसे कुछ सिस्टम बन जाता है। लेकिन भाई ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एसेसरी यार मतलब कतई महंगी कर रखी है, तगड़ी करके। अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ पर, वो है इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग नहीं बताई ना मैंने भाई, प्राइसिंग 9,00,000 रुपये की पड़ी है ये गाड़ी। तो कुल मिला के यार, पिछली बार जीटा मॉडल आया था 9,00,000 में, और अब मेरे को कौन सा मिल रहा है, डेल्टा मॉडल मिल रहा है, और हाँ ऑटोमेटिक में है। अब देखो, मजबूरी भी मारुति की क्या हुई है कि कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि पहले ऑटोमेटिक में आता था CVT, अब CVT जो गियर बॉक्स है ना, उसकी कॉस्टिंग ही भाई 1,00,000 रुपये ऊपर हो जाती है, 1,00,000 से 1.25 लाख ऊपर। अब 1,00,000 से 1.25 लाख ऊपर कर देते तो यही गाड़ी मेरे को करीब करीब 10,00,000 रुपये की मिलती है, और बताओ कहाँ चला जाता। तो उस मजबूरी की वजह से भाई इसमें AMT गियर बॉक्स डालना पड़ा है ऑटोमेटिक में, कहाँ सेगमेंट है प्रीमियम वाला, प्रीमियम हैचबैक, और पैसे कंट्रोल करने के लिए, कॉस्टिंग कंट्रोल करने के लिए AMT डालना पड़ा। इसे कहते हैं भाई बहुत महंगी हो गई हैं, कहाँ i20 वगैरह, हाँ उनके भी कीमत बढ़ी है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, ये अब 9,00,000 की पड़ रही है। i20 अगर मैं लेता हूँ, जो उसका सेकंड मॉडल है ना, सेकंड क्या, हाँ शुरुआत मैगना से ही हो रही है, मैगना मॉडल में अच्छे खासे फीचर दे दे रहे हैं वो दबा के बढ़िया करके, और भाई उसी में अगर ऑटोमेटिक आ जाए ना, तो भाई मैं इसे ना लेता, मैं उसे ले लेता, सही बता रहा हूँ। अभी उसमें स्पोर्ट्स वेरियंट में ही आ रहा है, जो पड़ रही है करीब 10.25 लाख के करीब की, लेकिन उसमें IVT मिल रहा है हमको, इसमें अपना AMT मिल रहा है। अब उसको ना लेने का रीज़न दो हो गए, एक वो 1.25 लाख महंगी हो रही थी, दूसरा सबसे बड़ा अवेलेबिलिटी, वो
भाई तगड़े ऑर्डर पे आ रही है, मतलब उसको कम ही लोग चूज़ कर रहे हैं ना, माइलेज वाले थोड़ा कम होता है इस वजह से वो थोड़ा सा लेट आती है। कब आ रही है बिल्कुल फिक्स डेट नहीं है, ये अपन को जल्दी मिल गए इसीलिए। तो भाई ये थे अपने खुद के सोचे हुए समझे हुए एनालाइज़ किए हुए निगेटिव पॉइंट जो कि इतने दिन में मेरे को समझ आए। मैंने क्यों ख़रीदी थी वो उससे ऊपर ही थे, जो निगेटिव है ना उससे ऊपर थे वो, इसीलिए मैंने ली ऑब्वियसली। और अगर वो नहीं देखा हो किसी ने वीडियो भाई जाके देख लेना, पड़ा हुआ है टॉप 5 रीज़न वाई आई बॉट दिस टीन का डब्बा, ये मैंने डाला था। और अगर नहीं देखना तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। भाई रिफाइनमेंट इंजन का 4 सिलेंडर इंजन ना बहुत स्मूथ है वो हुआ, माइलेज इसका बहुत दबा के दार है बिल्कुल भाई 21-22-23 का निकालता है उसका हुआ। जो बिल्ड क्वालिटी है वो पिछली बार से अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कॉम्पिटिशन से बढ़िया कर दी, पिछली बार से बेटर कर दिया है। अब कितनी बेटर हुई है भाई मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ, फील हो रहा है तब मैं बताया। हालांकि जब क्रैशस रेटिंग आएगी तब उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे भाई, 3-4 स्टार ले गई तब बढ़िया मूड से बना देंगे, और अगर उससे नीचे आ गई तो भाई गाली बकते हुए बना लेंगे, ठीक है। और उसके साथ आया AMT, AMT जो है ना वो कॉम्पिटिशन से बहुत स्मूद है, बाकी जितना भी कंपटीशन है उनके हिसाब से AMT सबसे ज़्यादा अब तक का स्मूदेस्ट AMT लगा है मेरे को ये। अगला पॉइंट मैंने बोला था जो हिल होल्ड कंट्रोल और ESP है वो सिर्फ यही ऑटोमेटिक कार है इस सेगमेंट की जिसमें दिया जा रहा है, ठीक। ऑटोमेटिक के साथ हिल होल्ड कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत फील होता है ढलान वलान पे, वो इसमें दे रखा है, ESP दे रखा है, मस्त है। और उसके साथ साथ जो इंटीरियर है, फील है और ओवरऑल डिज़ाइन है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। रोड पे आती जाती थी मैं देखता था मस्त लगती थी, ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है चली जा रही है, हाँ अच्छी लगती थी जो नई वाली है। और उसके साथ साथ जो इंटीरियर है वो भी पहले से बेटर सा बना दिया है। तो भाई ओवरऑल ये हैं कुछ अपने रीज़न, ठीक है, जो मैंने फील करे वो आपको बता दिया। तो भाई अब किसी को बुरे भी लग सकते हैं, किसी को अच्छे भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं है जो सबको खुश करें, ठीक है। तो भाई ये था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।